हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्जनपीडिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो है ईडियम्स। सो अगर आपको न्यू एंड इंटरेस्टिंग ईडियम्स देखने जो कभी आपने सुने ना हो, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हमारा है रैट रेस। रैट रेस से हमें जो हमारी मीनिंग है, पहले हम उसमें जाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि रैट रेस सीरियसली अगर आप एक नॉर्मल सेंटेंस उसको देखो तो आपको क्या समझ में आता है। आप जब भी आपको अपने घरों में रैट दिखा होगा और आप उसको पकड़ने जाते हो तो बहुत तेज़ भागता है ना, वो आपके कंपटीशन देता है कि अच्छा तुम्हें अगर मुझे पकड़ना है तो तेज़ भागो। तो वैसा ही कुछ रिलेशन इस ईडियम के साथ है। कैसे? इधर इस ईडियम का मतलब है कि कोई कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल करना, आप किसी पर्टिकुलर पावर और पोजिशन के लिए जो अचीव करना चाहते हो, कोई स्ट्रगल करना जो आप अपने पावर और पोजीशन के लिए अचीव करना चाहते हो। जहाँ हमारा एग्जांपल ये है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर द रैट रेस विदाउट मच कंसर्न ओवर हिज साइकोलॉजिकल और मोरल वेलबींग। इसका क्या मतलब हुआ कि आजकल के जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को रैट रेस मतलब इंटेंस कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल्स उनको देते हैं ताकि वो एक पावर और पोजिशन अचीव कर पाए, है ना। बट उनके वो ऐसे कंसर्न नहीं देते उनके साइकोलॉजिकल और मोरल वेलबींग में, जो उनको एक सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक ह्यूमन बींग में। तो ये हमारा रैट रेस था। सेकेंड हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है, जो है पेपर टाइगर। बहुत ही ईजी है। इसका मतलब कि आप बाहर से एकदम डेंजरस लगते हो पर अंदर से वैसे आप हो नहीं। जैसे एग्जाम्पल, देर आर फ्यू पॉलिटिकल अपोनेंट्स, आप देख सकते हो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है हेयर, बट दे आर मोर और लेस पेपर टाइगर्स। इनको क्या दिखाया गया कि वो दिखाते कि बाहर से दे आर डेंजरस बट अंदर से दे आर नॉट। वाइट एलिफेंट मीनिंग, इसका मतलब हुआ कि वो चीज़ जो आपको बहुत कॉस्टली होती है बट देन वेन एवर यू बाय इट, इट इज़ लाइक जस्ट यूजलेस और आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। वाइट एलिफेंटों को अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में या कुछ स्टोरीज या कुछ कार्टून शोज में कि वाइट एलिफेंट सिर्फ क्वीन ऑफ किंग के पास होता था और इट वाज वेरी रेयर, है ना। बट मेंटेन करने में उनके पास हज़ार लोग थे उस एक एलिफेंट को मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज़ सम रिलेशन बिटवीन द ईडियम। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, राजेश इज़ अ केयरलेस बॉय, ही गॉट अ गोल्ड कोटेड वॉच फ्यू डेज अगो एंड ही लॉस्ट इट। फॉर हिम द गोल्ड वॉच विल बी अ वाइट एलिफेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। हाउ? देखो, राजेश एक केयरलेस बॉय है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गोल्ड कोटेड वॉच घुमा दी, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया। तो सिंपली गोल्ड वॉच उसके लिए क्या हुई? उसके लिए गोल्ड वॉच एक वाइट एलिफेंट जैसी हुई। सिंपल। डॉग ईट डॉग, जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है, इसका मतलब कोई ऐसी सर्कमस्टांस जहाँ लोग एक दूसरे को हार्म करते हों ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सीड कर सके या जो उनको अचीव करना है वो अचीव कर सके। जैसे यह एक एग्जांपल है, वी हैव टू लुक आउट आर ओन इंटरेस्ट, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने खुद के इंटरेस्ट खुद ढूंढने होंगे, क्योंकि ये पूरी जो हमारा दुनिया है ये एक डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। इसका मतलब यहाँ लोग अपनी पोजीशन के लिए या अपनी ज़िंदगी को सक्सीड करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइटन योर बेल्ट्स। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ एक्सपेंसेस कम करते हैं ताकि हमें जो कॉस्टली चीज़ें चाहिए हों उसको हम ले सकें। जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई बहुत अच्छी लाइक वॉच आपको चाहिए, वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आप मनी सेव करोगे, है ना, या आप उसके लिए कुछ मेहनत करोगे। वैसे ये एग्जांपल है, वी वुड लाइक टू गो ऑन अ क्रूज दिस समर बट वी मस्ट टाइटन आवर बेल्ट्स, है ना। सो क्रूज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेव मनी एंड डू सम हार्ड वर्क फॉर इट। सो दिस वॉज जस्ट फॉर दिस पार्ट वन वीडियो एंड आई एम गोना ब्रिंग मोर ईडियम्स फॉर यू इन पार्ट टू वीडियो। सो स्टे ट्यून इन फॉर चैनल एंड या प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।